नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। पूरे हरियाणा में इस समय डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। इस बीच ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मरीजों को डॉक्टर्स की कितनी जरूरत है। आज हर दूसरे घर में कोई ना कोई किसी बीमारी से पीड़ित है। ऐसे में डॉक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। डॉक्टर्स को जीवनदाता कहा जाता है, लेकिन इस समय आलम यह है कि मरीज अपने जीवन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हड़ताल के बावजूद भी लोग इलाज की उम्मीद लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर हॉस्पिटल आ ही नहीं रहे। आज पानीपत से ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्रसव पीड़ा से कराहते हुए एक महिला सरकारी अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से डिलीवरी कराने आई महिला को डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। नर्स महिला को इमरजेंसी गेट के फर्श पर बैठा कर चली गई और दर्द के कारण महिला ने फर्श पर ही बच्ची को जन्म दे दिया। देखिए हमारे संवाददाता सौरभ वर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। आज जो हड़ताल की है, आपकी क्या मांगे हैं, किस बात को लेकर की जा रही है? सर, हम NHM कर्मचारी हैं जो पिछले 25 सालों से सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं जनता को दे रहे हैं। हमारी जो प्रथम मांग है वो रेगुलराइजेशन की है, क्योंकि हम जब लगे थे, जब हमारी एज फार्म भर के रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करने की थी, लेकिन आज हमारी बहुत सारे भाई और बहन ऐसी उम्र दराज हो चुके हैं जिन्हें अब रेगुलर के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकते, ज़्यादा एज हो गई है। इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे जो 350 कैटेगरी NHM के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में लगी हुई है भिन्न भिन्न कैटेगरियों में, उन सभी को सरकार नियमित करे और हमें रेगुलर के बराबर वेतन और भत्ते, सारी सुविधाएं वो ही चाहिए। और एक ही मांग है सिर्फ हमारी सरकार से, रेगुलराइजेशन। तो लगभग कितने पलवल जिले के अंदर? हमारी डिस्ट्रिक्ट में 460 कर्मचारी हैं और हमारी 22 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 17,000 कर्मचारी NHM के द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं जनता को दे रहे हैं, जिसमें मेनली डिलीवरी हेड हैं, RVS के डॉक्टर हैं जो स्कूलों में बच्चों के चेकअप करते हैं, ड्राइवर हैं, LT फार्मासिस्ट हैं, अकाउंटेंट हैं। मतलब ये है कि जो सरकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं वो सारी हम NHM के कर्मचारियों द्वारा जनता को दी जा रही हैं। सोचिए इससे ज्यादा निंदनीय और क्या हो सकता है कि सरकार की नजरअंदाजी का भुगतान गरीब और आम जनता कर रही है। हालातों को ऐसा बनाने से रोका जा सकता था अगर सही समय पर सरकार डॉक्टर्स की मांगें पूरी कर देती। 3 साल से इसी तरह सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया और इस तरह से गंभीरता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पलवल में डॉक्टरों के साथ अब NHM कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला नागरिक अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर आज NHM कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। NHM कर्मचारी नेता डॉक्टर विहान ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को अगर नहीं माना तो उनकी यह हड़ताल अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं डॉक्टर विहान, सचिव जिला कार्यकारिणी। तो सर, ये क्या हड़ताल किस बात को लेकर की जा रही है और कब तक ये हड़ताल आपकी जारी रहेगी? देखिए, पूरे हरियाणा में लगभग 17,000 NHM कर्मचारी हैं जो पिछले 25-30 वर्षों से सरकार को सेवाएं दे रहे हैं। NHM कर्मचारियों की केवल एक सबसे बड़ी मांग है, वो है नियमितीकरण, कि हमें नियमित किया जाए, नियमितीकरण पॉलिसी बनाई जाए, उसमें NHM को शामिल किया जाए। इन द मीन टाइम जब तक पॉलिसी पे काम चलता है, हमें सेवा सुरक्षा दी जाए। और जो दूसरे बेनिफिट है, मैं बात करूँ 7th पे कमीशन के, उसका फायदा NHM को मिल दिया जाए। CL, EL और तमाम दूसरी सुविधाएं जो एक रेगुलर कर्मचारी को मिलती है, वो NHM कर्मचारी को दी जाए। अगर सरकार नहीं मानती है, आपने पहले प्रदर्शन किए, तो अगला कदम आपका क्या होगा? निश्चित रूप से जो हड़ताल है, जैसा हमारा स्टेट बॉडी की तरफ से आदेश होगा, राज्य कार्यकारिणी की तरफ से, दोनों यूनियन की तरफ से, हम इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलने का कार्य करेंगे, जैसा आदेश प्राप्त होता है अगर सरकार नहीं मानती है। तो अब कब तक आपकी हड़ताल रहेगी? बिल्कुल, अभी तो आज पहला दिन है हड़ताल का। अभी आज भी MD साहब से मीटिंग का समय है, दोपहर का, देखते हैं क्या रहता है। अदरवाइज ये हड़ताल, जैसा आदेश हमें राज्य कार्यकारिणी की तरफ से मिलता है, अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। क्या काम रहता है NHM कर्मचारियों का? NHM स्वास्थ्य विभाग में हर डिपार्टमेंट में कार्य करता है,
लैब टेक्नीशियन से लेकर के स्टाफ नर्स हैं, ANM है, आरबीएस के डॉक्टर्स हैं, टीवी डिपार्टमेंट है, तमाम वो डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग की, उसमें NHM कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सारे काम वो प्रभावित है? बिल्कुल प्रभावित है, पूरी तरह से पूरे हरियाणा में NHM कर्मचारियों ने बंद किया है कार्य। ठप पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बीच लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए जिला प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जिला अस्पताल में आयुर्वेद और होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ ही NHM के साथ 13 डॉक्टर, डेंटल सर्जन और आंखों के डॉक्टरों की ड्यूटी लगाएगी, जो सुबह से ही OPD और आपातकाल डॉक्टर कक्षा में तैनात रहे, जिसके चलते अस्पताल में उपचार कराने के लिए पहुंचे मरीजों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जिला नागरिक अस्पताल में कार्यरत SMO डॉक्टर अजय माम ने इस बारे में क्या कहा, सुनिए। देखिए, हमारे सिविल हॉस्पिटल में हमने कल भी जैसे अरेंजमेंट कर रखा था, वैसे ही अरेंजमेंट आज भी है। कल भी हमारी सारी वर्किंग लगभग चल गई, इलेक्टिव सर्जरीज के बिना सारी हमारी एक्टिविटी हॉस्पिटल की चली, वैसे ही आज भी हमने पूरे इंतजाम कर रखे हैं। बाकी क्योंकि ये शुरू में 2 दिन की कॉल थी, शाम तक आगे एसोसिएशन का स्टैंड क्या रहेगा वो पता चलेगा, तो उस हिसाब से आगे की प्लानिंग हम करेंगे। तो सर, इससे कोई हड़ताल से कोई OPD पर, कोई मरीजों की देखभाल पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, थोड़ा OPD में हमारे पेशेंट्स का नंबर वैसे ही अभी बारिशों की वजह से थोड़ा कम हुआ है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फर्क अभी पेशेंट्स के आने में हड़ताल की वजह से हुआ है। एटलीस्ट सिविल हॉस्पिटल में हमने सुविधा उनको जो भी आ रहा है पूरी दे रखी है, तो ज़्यादा यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में फ़र्क नहीं पड़ा है। भागपुर के किस लिए आए अस्पताल में? दवाई के लिए। किस चीज़ की दवाई लेनी है? दांतों की। तो डॉक्टर हैं यहाँ? उपचार मिल रहा है? और कौन आया आपके साथ? डॉक्टर बैठे हैं यहाँ? परेशानी तो नहीं है किसी तरह की? क्या नाम है अम्मा आपका? कहाँ से आए हो आप? कारने से। तो किस लिए आए थे सरकारी अस्पताल में? दवाई लेने आए, दांत की। क्या दिक्कत है? दांत में मसूड़ा। डॉक्टर मिल गए हैं? हाँ। क्या कहा है डॉक्टर ने? वो डॉक्टर ने कही है कि लिख दी दवाई डाल, तो कभी इंफेक्शन बन रहा है। किसी तरह कोई परेशानी तो नहीं हुई? हाँ। तो डॉक्टर हड़ताल पे तो नहीं है आज? चल रहा है उपचार यहाँ? देंगे डॉक्टर, दवाई लिख दी आपकी। इसी तरह की कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।